भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SUM अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है। यहां ICU वार्ड में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि आग शाम पहली मंजिल पर लगी, इसके बाद देखते ही देखते ये आग तेजी से फैल गई। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि ऑक्सीजन चैम्बर में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही पीएम ने ट्वीट कर घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि ओडिशा के अस्पताल में लगी आग में लोगों की जान जाने से काफी दुखी हूं। यह त्रासदी दिमाग को झकझोर देने वाली है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की है और उन्हें घायलों को एम्स में भर्ती कराने की व्यवस्था करने को कहा है। उम्मीद है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। यह हादसा निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। देखते रहिए डीबी लाइव।